नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कृष्णन, प्लास्टिक सर्जन अमनदीप हॉस्पिटल अमृतसर से, और आज हम बात करेंगे हैंड इंजरीज के बारे में। हाथ के बिना जीवन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है और हैंड की इंजरीज सबसे कॉमन होती हैं। बिना हाथ के लाइफ बिताना अनइमेजिनेबल है। बच्चों में कॉमनली नेल बेड इंजरीज या फिर फिंगर इंजरीज होती हैं, जो डोरमेट डोर ट्रैप इंजरीज कहते हैं, जिसको दरवाजा बंद करते हुए बीच में उंगली आ गई, हाथ आ गया। टोका इंजरीज हम कॉमनली देखते हैं, जहाँ पे हाथ टोके में चला गया, बच्चे खेल रहे हैं टोके के साथ और टोके में हाथ चला गया और उंगलियां सारी कट गई या हाथ ही कट गया। एडल्ट्स में जो वर्किंग क्लास के हैं उनमें मशीन इंजरीज भी बहुत कॉमनली आती है। कोई पावर मशीन में काम कर रहे हैं, 2 सेकंड की लापरवाही हो गई और हाथ पूरा अलग ही हो गया या क्रश हो गया। शुगर केन इंजरीज, जिसमें मशीन में हाथ चली गई। तो ये सारी इंजरीज हैं जो काफी हद तक प्रिवेंटेबल है। हैंड इंजरीज में अगर वर्क प्लेस सेफ्टी अच्छी हो और हम ध्यान अपना काम करते हुए भटकने ना दें और बच्चों का जितना ज्यादा हो सकता है घर में हम अपने नजर में ही रखें, तो ये इंजरीज काफी कम हो सकती है। हैविंग सेड दैट, जब इंजरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये है कि अगर एक्टिव ब्लीडिंग है तो उसको प्रेशर देके रोकना चाहिए। थोड़ा प्रेशर बैंडेज करके और हाथ को ऊपर उठा के ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। या तो अगर हाथ या उंगली पूरी कट के अलग हो गई हो तो उसका क्या करना चाहिए? उस पार्ट को वॉश करके वेट क्लॉथ में लपेटना होता है और उसको एक प्लास्टिक कवर में डालना है। उस कवर को आइस बॉक्स में डाल के अस्पताल ले जाना है, जहां पे पार्ट को वापस जोड़ा जा सकता है। तो ये प्रोसीजर जरूरी है। काफी बार हमने देखा है कि जो एम्प्यूटेटेड पार्ट है, जो कट पार्ट है, उनको सीधा पानी में डाल दिया है या सीधा बर्फ में रख दिया है। ऐसे करने पे पार्ट डैमेज हो जाता है और उसको वापस नहीं जोड़ा जा सकता। और इसमें टाइम भी इम्पोर्टेंट है। जैसे उंगली कटती है तो 6 से 12 घंटे के अंदर अगर अस्पताल पहुंच जाए तो अच्छा है, लेकिन जैसे जैसे लेवल ऊपर को जाता है, जैसे कि शोल्डर के लेवल पे हो गया, तो फिर 2-3 घंटे से ज्यादा टाइम काफी बार नहीं मिलता है। उस टाइम तक अगर पार्ट को नहीं जोड़ा जाता तो पार्ट के बचने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी हैंड इंजरीज है, छोटी से बड़ी, सबसे बेस्ट चांस उनको ट्रीट करने का होता है फर्स्ट टाइम। जैसे ही चोट लगी, आप अस्पताल गए, उसका जो भी सही ट्रीटमेंट है वो हुआ, तो वो बेस्ट होता है, मैक्सिमम फंक्शनल आउटकम आता है। अगर डिले हो गया ट्रीटमेंट में या पहले पट्टियां ही कराते रह गए, कुछ ठीक से इलाज हुआ नहीं और लेट आते हैं, तो उसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट हैंड इंजरीज में है, ऑफ कोर्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और दूसरी बात है कि जैसे ही इंजरी हो तो किसी अच्छे सेंटर में प्लास्टिक सर्जन को, हैंड सर्जन को दिखाएं, चाहे जितनी भी छोटी इंजरी क्यों ना हो, ताकि उसका सही इलाज हो सके और हैंड का फंक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिस्टोर हो सके। एंड बर्न्स भी काफी कॉमनली देखने को मिलती हैं कि गर्म पानी गिर गया हाथ में, चाय गिर गया, और सीधा बर्फ नहीं रखना है, रनिंग वाटर लगाना है और क्लीन ड्रेसिंग करके हॉस्पिटल में आके दिखाना है। वर्क प्लेस सेफ्टी से चांस ऑफ इंजरी काफी कम हो जाता है। तो प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, एंड बाय चांस इंजरी हो जाए तो गेटिंग गुड ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट सेटिंग इज द बेस्ट।